स्वस्तिक एंड यू आर वॉचिंग कॉलेज गाइड। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था, तीन चार बच्चों ने ऐसे मैसेज भी भेजा था कि क्या कट ऑफ गिरेगा, कितना परसेंट तक गिरेगा, और जो सेकंड मेरिट लिस्ट अगर जारी होती है स्लाइड अप ऑप्शन के बाद मेरे पास कॉलेज अलॉट होने के जो चांसेस हैं वो क्या होंगे। मतलब पूछना यही है कि अगर किसी का कम मार्क्स परसेंटेज है तो वो जानना चाह रहे हैं बच्चे कि कट ऑफ गिरने के बाद क्या उनके परसेंटेज रेंज में कॉलेज आ जाएगा या नहीं। तो आज की वीडियो हम यही बात करेंगे। देखो यार, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हम आ गए हैं। अभी तक इस यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया है कि स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि स्लाइड अप का ऑप्शन आना बिल्कुल चाहिए। क्योंकि यार, अगर पहले जो हमें कुछ दिन पहले जैसे नोटिस दिखाया जा रहा था कि एक मिनट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक नोटिस हमें बताया जा रहा था। इस नोटिस में हमें दिखा कई जगह दूसरे चैनल पर भी तुम्हें पता चल रहा होगा कि इस नोटिस में बताया गया है कि ये नोटिस दिखा दिखा के सब कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक चांस दिया गया था कि आप अपना रीअरेंज कर लीजिए कॉलेज को। अब एक बात बताओ, अगर हमें पहले से पता होता कि कौन सा कॉलेज हमें मिलने वाला होता है तो क्या हम उस हिसाब से नहीं भरते? बिल्कुल भरते। तो अगर हमें पहले से पता होता तो हम वैसा ही भरते, लेकिन ये जो नोटिस है इसके अनुसार इसको आप रेफरेंस में रख के ये कहना कि स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या अगर तुम ही सोच के देखो कि अगर तुम्हें पहले से पता होता कि तुम्हें अभी देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट सबकी प्रायोरिटी होगी एन कॉलेज, सारे बच्चों की मतलब मोस्टली तो यही भरे होंगे कि एन कॉलेज, जिसका अगर घर से दूर पड़ता हो बहुत तभी जाकर किसी ने वो नहीं भरा होगा। तो क्या फर्स्ट लिस्ट में सबको एन कॉलेज मिला? देखो यार, 80,000 के आसपास बच्चों को फर्स्ट लिस्ट में नाम निकाल दिया गया, लेकिन कितने को एन कॉलेज मिला? मात्र मुझे लगता है 3-4 हज़ार को ही एन कॉलेज मिला होगा। तो सबको तो एन कॉलेज नहीं मिला, जाहिर सी बात है सभी चाहेंगे कि एक बार स्लाइड अप का ऑप्शन आए, सभी चाहेंगे कि मुझे ऊपर का ऑप्शन मिले। तो सभी को अगर पता रहता है कि एन कॉलेज नहीं मिलने वाला है तो वो उस हिसाब से दूसरा कॉलेज जो उनके घर के नज़दीक हो या जो उनके ज़्यादा सुटेबल हो वो डेफिनेटली सेलेक्ट करके रखते। लेकिन देखो, ये इस लिस्ट को दिखा के कहना कि स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं आएगा, ये मेरे हिसाब से तो गलत बात है। ठीक है, अब इस वेबसाइट ने भी कोई अभी तक पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा है कि स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा या नहीं, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि स्लाइड अप का ऑप्शन ज़रूर आएगा। हो सकता है थोड़ा डिले हो स्लाइड अप का ऑप्शन आने में इस बार, क्योंकि देखो यार, इस बार एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी हो गया है ऑनलाइन, और ऑनलाइन प्रोसेस में सब जान रहे हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि जो भी कॉलेजेस हैं उसमें मोस्टली 2-3 कॉलेज ही हैं ऐसे जिनके ऑनलाइन प्रोसेस सही तरीके से चल रही है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन प्रोसेस यानी कि पोर्टल एडमिशन का खुल भी नहीं रहा है सही तरह से। आज 3रा-4था दिन होने वाला है, लेकिन शायद बहुत सारे कॉलेजों का पोर्टल खुल नहीं रहा है। तो इस वजह की, इस प्रोसेस के देरी की वजह से हो सकता है स्लाइड अप का ऑप्शन अभी तक नहीं दिया गया, क्योंकि जब तक पोर्टल से रजिस्ट्रेशन हटेगा नहीं, मतलब जो बच्चों का एडमिशन हो गया है उनका नाम हटेगा नहीं, तब तक कैसे कहा जा सकता है कि सेकंड लिस्ट में कितने बच्चे और चाह रहे हैं स्लाइड अप के लिए? तो ये पता चलेगा तभी जब एडमिशन होने लगेगा, इसीलिए थोड़ा डिले हो सकता है। हो सकता है कि लास्ट डेट जो होगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की एडमिशन लेने की वो बढ़ाई जाए और उसके बाद 13-14 तारीख तक स्लाइड अप का ऑप्शन आए, ये हो सकता है, संभावित है ये बात है। ठीक है, अब बात करते हैं यार कि कुछ बच्चों ने पूछा था कि कट ऑफ कितना गिरेगा, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कट ऑफ गिरने के बारे में कुछ बच्चों ने पूछा था, मैं उसके बारे में भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ जो हमारे पास कट ऑफ है, कैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई मेरे पास तो 73% है, मेरा 72% या मेरा 60% है, तो क्या कट ऑफ गिरने के बाद सेकंड लिस्ट में अगर स्लाइड अप कर देता हूँ तो मेरा उस कॉलेज में एडमिशन होने का चांस है? तो देखो, एक कमेंट मेरे पास आया था कि 73% है, तो उसी को रेफरेंस लेके हम चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए एन कॉलेज, देखो यार यहाँ पे ए एन कॉलेज में दिखा रहा हूँ, ए एन कॉलेज का ये है इंग्लिश वाला सेक्शन, तो इंग्लिश सेक्शन में यहाँ पे देखो इस साल अनरिजर्व कैटेगरी में 79% का गया है। तो 79% से देखो मोस्टली जो कट ऑफ गिरता है, जो नामी या बड़े कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ गिरता है लगभग 5% से 6-7% तक। ठीक है, तो एक लिस्ट में 5 से 6 कट ऑफ गिरना, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो गई तो ये होगा सेकंड मेरिट लिस्ट में कट ऑफ गिरेगा। 5 से 6% अगर माइनस कर देंगे तो 79 में तुमको 74 फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 5 से 6 कट ऑफ जाएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर गिरता है तो तुम्हारा हो जाएगा 74 से 73। लेकिन फिर अगर 73 से भी नीचे है किसी का, अगर 60 या उससे नीचे है, तो हमें थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा, और थर्ड मेरिट लिस्ट में फिर 5 से 6% गिर सकता है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गिरता है बड़े कॉलेज का, हाँ छोटे कॉलेज में इससे ज़्यादा कट ऑफ गिर सकता है, और बड़े कॉलेज में भी गिर सकता है अगर बहुत ज़्यादा लक रहा तो, लेकिन मोस्टली यही होता है कि 5 से 6% गिरता है। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश को रेफरेंस लेके चलें, 79 फर्स्ट में, अगर 74 से 73 पे आया था तो सेकंड में हो सकता है कि तुम्हारा फिर से 5-6% गिर जाए, तो 68 से लेके 66 या इस आसपास पे आ जाए कट ऑफ। तो अगर इस रेंज में तुम्हारा आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, तुम इंतज़ार कर सकते हो कि मैं स्लाइड अप का इंतज़ार कर लेता हूँ कुछ दिन और उसके बाद फिर
एडमिशन के लिए स्लाइड अप कर दूंगा, और स्लाइड अप करने के बाद सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में मैं एडमिशन लूँगा, तो तुम्हें हो सकता है तुम्हारा मनचाहा कॉलेज मिल जाए। लेकिन यार अगर कट ऑफ तुम्हारा बहुत नीचे है, तुम्हारा कट ऑफ के हिसाब से तुम्हारा रिजल्ट बहुत नीचे है, किसी का 55 या उससे नीचे है, तो यार मैं कहूँगा कि जो लिस्ट तुम्हें दे दी गई है उसी में संतुष्ट हो जाओ और एडमिशन ले लो। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि दो तीन कॉलेज ऊपर आ जाएँ आसपास के, तो तुम स्लाइड अप कर सकते हो, लेकिन मोस्टली चांस कम है कि वैसे में होगा, क्योंकि कट ऑफ इतना नहीं गिरता है, 5 से 6% ही गिरेगा हर लिस्ट के हिसाब से। तो ये सारी डिटेल मैंने दे दी, और भी कोई डिटेल पूछनी हो कॉलेजेस या रिव्यू कुछ भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके लिए एक विशेष वीडियो बना दी जाएगी। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।